ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। मुमरा में लगातार ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई चल रही है। हुरदंग किस्म के लोग ट्रिपल सीट पर चलने वाले बाइक बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस व कम उम्र के बच्चे जो बाइक चला रहे हैं उन पर मुमरा के ट्रैफिक पुलिस के सीनियर सुरेश लंभाते लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई के दौरान चाहे वो पत्रकार हो, पुलिस हो या फिर कोई नेता हो, अगर हेलमेट नहीं है या फिर लाइसेंस नहीं है तो सुरेश लंभाते चालान काट देते हैं। आज एक बार फिर सुरेश लंभाते की कार्रवाई कल्याण फाटा सिल फाटा में 8 घंटे चली, जिसमें कार में लगी ब्लैक पिन निकाला। कई ऐसे कार जो नेताओं की, पुलिस की, पत्रकार की रोक कर कांच पर लगे ब्लैक पिन निकाला और 200 रुपए की फाइन भरकर ही छोड़ा। इसके पहले मुमरा में सुरेश लंभाते इलीगल रिक्शा बिना लाइसेंस बैच के चलने वाले उन पर भी कार्रवाई किया है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखे, कार को रोक कर कार के कांच में लगे ब्लैक पिन को निकाला और 200 रुपए फाइन भरने के बाद ही छोड़ा है। जानते हैं सुरेश लंभाते ने क्या कहा है। यहाँ पे ब्लैक पिन पुलिस का बोर्ड लगा दे, महाराष्ट्र शासन का बोर्ड लगा दे, उनके ऊपर कार्रवाई चल रहा है। और जो भी ब्लैक पिन लगाए हैं उनके ऊपर पैसा भर के लेते हैं हम लोग 200 रुपये, और वो पिन निकाल के लेते हैं। और पुलिस का बोर्ड है या प्रेस का या फिर महाराष्ट्र शासन का, उनके ऊपर भी कार्रवाई चल रहा है। अच्छा, कितना फाइन ले रहे हैं आप अभी तक? हमने 22 गाड़ी पर कार्रवाई की है। अच्छा, 200 रुपए के हिसाब से कार्रवाई करते हैं। कार बड़ी बड़ी गाड़ी कार वगैरह में रहते हैं। अच्छा, और बाइक पर भी आपने कार्रवाई किया है? बाइक रॉन्ग साइड से जो बाइक आते हैं उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। अच्छा, लंबाते साहब, आप लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, इससे मतलब कितना फ़र्क पड़ रहा है लोगों में? भाई, धीरे धीरे फ़र्क पड़ रहा है, अभी सबको मालूम हो रहा है। हम सबको आह्वान दे रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, रॉन्ग साइड से मत आओ, फिल्म निकालो, ऐसा भी हम बहुत लोगों और लोगों को क्या संदेश देंगे, जो लोग, जो माँ बाप हैं, जो गाड़ियाँ दे दिए हैं बच्चों के हाथ में, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है, ट्रिपल सीट चल रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम तो बार बार आप मीडिया के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए मैसेज दे रहे हैं कि बच्चों को गाड़ी चलाने मत देना, बाइक चलाते टाइम हेलमेट लगाओ, बेल्ट लगाओ, ऐसे हम अलग अलग पब्लिक को जानकारी दे देते हैं हमेशा। एक्चुअली मुमरा और डाइगर में ज़्यादा लोग, बच्चे लोग गाड़ी चलाते हैं, ट्रिपल सीट गाड़ी चलाते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं। यहाँ पे अपने मुमरा बाईपास में 2-3 बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए थे, 2-3 बच्चे की मौत हुई है। तो हम सबको अभी भी बोलते हैं कि अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को गाड़ी मत चलाने दो या ट्रिपल सीट गाड़ी मत चलाने दो, और हम वही कार्रवाई करते हैं। ट्रैफिक पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। लंभाते ने ये भी कहा, उन माँ बाप को भी संदेश दिया जो कम उम्र के बच्चों को बाइक चलाने देते हैं। मुमरा सील डायघर में ज़्यादातर कम उम्र के बच्चे गाड़ियाँ चलाते हैं, यही नहीं ट्रिपल सीट उसके बाद भी रेसिंग करते हैं। तो इसीलिए जो है सुरेश लंभाते ने जो है संदेश दिया है उन माँ बाप को जो अपने बच्चों को गाड़ियाँ दे देते हैं चलाने के लिए, जिनके पास लाइसेंस नहीं होता है, हेलमेट नहीं होता है, और जब घटनाएं हो जाते हैं तब उनकी आंख खुलती है। और यही वजह है कि सुरेश लंभाते ने जो है उन माँ बाप को संदेश दिया है। तो इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।